हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डेविड है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैजिक्स मूवी एडिटर में आप किसी पिक्चर को कलरेशन कैसे कर सकते हैं, पूरी की पूरी ग्रीन हो जाए, वीडियो भी हो जाती है और पिक्चर भी हो जाती है, यानी कलर ग्रीन कलर हो जाता है पूरी की पूरी, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले एक पिक्चर लेता हूँ, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मेरे पास ये बहुत सारी हैं पिक्चर्स, यहाँ पर कोई भी आ जाए हॉट, ठीक है, कोई भी मैं चूज कर रहा हूँ। सनी लियोनी है यहाँ पे, ये इसको कर लेते हैं, ये तो एक्टर है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा टाइम थोड़ा बढ़ा देता हूँ, फिर बाद में कट करूँगा आपको बाद में वीडियो भी अप्लाई करके दिखाऊंगा। अब मैं देखिए, मैंने इम्पोर्ट कर लिया अपने कंप्यूटर से, टाइमलाइन के ऊपर इंसर्ट कर ली। अब मैंने जाना फेस टाइटल इफेक्ट्स के ऊपर, मैंने क्लिक किया। सबसे पहले वाली ऑप्शन है प्रीसेट्स, इसके साथ एरो का निशान है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और दो नंबर ऑप्शंस ओपन होती हैं, दो जनरल और वीडियो मिक्स इफेक्ट्स। मैं जनरल पे क्लिक कर देता हूं और यहां पे देखें, यहां पे छठ एक दो तीन चार पाँच छः सात, सातवें नंबर पे आती है ग्रीन कलर कलरेशन। ये देखें यहां पे आपको नज़र आ रहा है, इसको मैंने ऐसे पकड़ना है और इसको इंसर्ट कर देना है इसके ऊपर, तो ये पूरी की पूरी ग्रीन हो जाएगी। आप देखें जहाँ तक भी मेरा जाएगा कर्सर, ये ग्रीन ही नज़र आएगी आपको। अब इसी तरह वीडियो के ऊपर भी अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैं इंपोर्ट करता हूँ वीडियो, मेरे पास वीडियो यहाँ पे मौजूद तो होनी चाहिए, ये ठीक है, इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। वीडियो मैंने अपने कंप्यूटर से वीडियो इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट में आना है जब कोई आप अपने कंप्यूटर से कोई डाटा लेना चाहते हैं, तो इंपोर्ट में आ कर आपने कंप्यूटर पर क्लिक करनी है और यहाँ से फिर आपने कंप्यूटर से डाटा इंसर्ट करवाना है। तो यहाँ पे देखें, मैंने इंसर्ट कर लिया, इसका मैं स्टार्टिंग पॉइंट को डिलीट कर देता हूँ। वो कैसे करना है, यहाँ पे आएँ, यहाँ पे ब्लेड का निशान है, यहाँ पे कट का, यहाँ पे लिखा हुआ रिमूव स्टार्ट, इसके ऊपर क्लिक करें तो थोड़ा सा कर्सर जहाँ पे रखेंगे उसका पहले वाला हिस्सा कट हो जाता है। देखें यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा अभी देख, अब मैं इफ़ेक्ट्स में आता हूँ। इफ़ेक्ट्स में आकर मैं ग्रीन वाली वही ऑप्शन जो है इफ़ेक्ट्स प्रीसेट्स, इसको क्लिक किया और दो ऑप्शन होती हैं जनरल और वीडियो मिक्स। वीडियो जनरल पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखा हुआ ग्रीन कलरेशन, इसको ऐसे ड्रैग करके इसके ऊपर इंसर्ट कर दिया। तो देखें पूरी की पूरी वीडियो जो है ना वो ग्रीन हो गई, जहाँ तक भी मेरा कर्सर जाएगा ये पूरी की पूरी ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये है इफ़ेक्ट का कमाल, अगर आप ग्रीन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद कुछ चेंजिंग करना चाहते हो तो वो भी हो सकती है, ब्राइटनेस वगैरह, वो तो आपको देखें ब्राइटनेस कम करनी, ज़्यादा करनी, कंट्रास्ट आगे पीछे, जिस तरह भी आप चाहते हो, वो तो आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरह करना चाहते हो, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह करना चाहते हो, ठीक है। मेरा काम आपको जस्ट ये बताना था कि आप जनरल में आएंगे, ग्रीन इफ़ेक्ट्स, ग्रीन इफ़ेक्ट्स प्रीसेट्स जनरल, और यहाँ से ग्रीन को अप्लाई किया, ठीक है। और बहुत सारे इफेक्ट हैं, आप उनको साथ साथ इस्तेमाल कर सकते हो, वो मैं सारे के सारे आपको बताता जाऊंगा, आप फिर बाद में आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी, कोई मसला परेशानी हो तो मेरी वीडियो को नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरी कोशिश होगी आपको उसका रिप्लाई किया जाए। और आने वाली वीडियो के बारे में बाखबर रहने के लिए मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब